अस्सलाम वालेकुम राजीत भाई और अस्सलाम वालेकुम अवेश भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा भाई, दोनों मास्टर खड़े हैं आज माशाल्लाह से। भाई बताएं क्या कर रहे हैं आज आप लोग? आज शहजाद भाई, आज हम जो है वॉल्वो पेंटा 1241 के वॉल लेशिंग और इंजेक्टर, इसके थोड़ी प्रॉब्लम आई थी तो इंजेक्टरों को हमने इंस्टॉल किया है, इसमें दूसरे इंजेक्टर इंस्टॉल किए हैं। ठीक है सर, वॉल लेशिंग और आपको इंजेक्टर्स को सेट करने का तरीका आज हम आपको बताएंगे, तो चले शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बात है, ये देखें, ये इसकी कैम शाफ्ट है और इस कैम शाफ्ट के अंदर यहाँ पे इसकी मार्किंग होती है। ये देखें, ये अभी हम एक नंबर पे लेके आ रहे हैं। जी सर, नंबर नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, ये एक नंबर को ये मैंने वाइटो से भी मार्क कर दिया, इसी मार्क के साथ हमें इसको मिलाना होता है। बस बस, ये देखें, ये यहाँ से इसका मिल गया। अच्छा, अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये मार्किंग आएगी हो तो ये दो सूरतों में आएगी, एक दफ़ा में इसके बॉल जो है वो टाइट आएंगे और एक दफ़ा में लूज आएंगे, तो हमें इसको चेक वेरीफाई कर लेना है कि छः नंबर के बाल लूज़ होने चाहिए और छः नंबर के वाल टाइट होने चाहिए और एक नंबर के वाल लूज होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपको दोबारा से इंजन को घुमा लेना है और ताकि वो अपनी पोजीशन पर अपनी पोजीशन पे आ जाए। तो एक नंबर पे होना चाहिए और एक नंबर के दोनों वाल जो है वो आपकी प्ले बतानी चाहिए और लूज होने चाहिए और छः नंबर टाइट होने चाहिए। अच्छा राशिद भाई, इसमें ये तो बताएं ज़रा, इसमें एग्जॉस्ट और इंटेक और इंजेक्टर वाला जो है इसका इनलेट का वाल है और ये एग्जॉस्ट। ठीक है, ये एग्जॉस्ट पॉइंट 28 पे सेट करेंगे, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए वो आपको चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ। और ये 14 टूल भी दिखाइएगा मुझे ना, ये स्पेशल टूल लग रहा है आपका, इसको फिलर गेज कहते हैं, इससे ये सेट होगा। अच्छा, मैंने आपको वॉल लेशिंग का तो तरीका बता दिया, इंजेक्टर किस तरीके से सेट करना है, वहाँ पे एक नंबर पे होना चाहिए और जब इसको लूज़ करके पहले लूज़ कर लें ताकि आपको तसल्ली हो जाए, उसके बाद इसको टाइट करें, इतना टाइट करना है कि ये रूलर थोड़ा सा टाइट घूमना शुरू हो जाए, ये यहाँ पर आके लॉक होगा और ये टाइट घूमना शुरू हो जाए, और उसके बाद इसको 240 डिग्री पर हमें, ये मैंने देखा वाइटो से इसमें मार्क किया हुआ है और यहाँ पे अब इस मार्क को जब हम इधर लाएंगे तो ये 240 डिग्री पे, ये 240 डिग्री पे इंजेक्टर हमारा सेट हो गया। ओके, आपको इसके बॉल और इंजेक्टर सेट करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप उससे मालूम कर सकते हैं। हमेशा मैं आपके लिए हाजिर हूँ, राशिद आलम खान, मिस्टर अवेश फारूक जी, और ये हमारे जो वीडियो बना रही है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मोहम्मद शहजाद।